सपने देखे और उनको पूरे करने में जुट जाए। भूमिका। सपने हमारे भविष्य को सही आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह सही कहा गया है कि यदि आप कोई कल्पना कर सकते हैं तो आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, और यदि आप कोई सपना देख सकते हैं तो आप वह प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यदि आपके पास सपना है तो इसे अपने लक्ष्य के रूप में स्थापित करें और इसे प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें। यदि यह कहना बहुत आसान है कि बजाय करने के, लेकिन अगर आप वास्तव में इसे प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं तो आप इसे निश्चित रूप से प्राप्त करने में सक्षम होंगे। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए बड़ा दृष्टिकोण अपनाएं, क्योंकि जो भी आप सोचते हैं वह आप बन जाते हैं। जी हाँ, आपके विचार और सपने में आपकी वास्तविकता बनने की शक्ति होती है। अगर आप उन पर विश्वास करते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए परिश्रम से काम करते हैं, प्यार, सफलता और पैसे की बहुत याद का सपना देखें और एक दिन आप उन सभी को पा सकेंगे। एक समय में एक कदम उठाए। जिंदगी में आपका एक बड़ा सपना हो सकता है, लेकिन इसे हासिल करने के लिए आपको छोटे और बड़े दोनों ही लक्ष्यों को सेट करके चलना होगा। हमेशा एक समय में एक कदम उठाना ही आपकी मदद कर सकेगा। उदाहरण के लिए, मेरा सपना एक फैशन डिजाइनर बनना है, और मैं जानता हूँ कि यह तभी संभव होगा यदि मैं प्रतिष्ठित संस्था में से फैशन डिजाइनिंग में कोर्स पूरा करूँ और मेरा सपना की प्राप्ति में तेजी लाने के लिए इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। जब मैं फिलहाल स्कूल शिक्षा पूरी कर रहा हूँ, हालांकि फैशन की दुनिया के बारे में जानने के लिए फैशन ब्लॉग और वेबसाइटों को देखने में मुझे कोई रोक नहीं सकता। ऐसा करने में से अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए छोटे कदम उठा सकता हूँ। हालांकि मेरा अंतिम लक्ष्य एक स्थापित फैशन डिजाइनिंग बनना है, मैंने आने वाले महीनों और वर्षों के लिए छोटे लक्ष्य निर्धारित किए हैं ताकि ये मुझे अपने अंतिम लक्ष्य तक ले जा सके। अपने सपने को पाने के लिए प्रेरित रहें। सपनों और लक्ष्यों को प्राप्त करने में मुख्य बाधाओं में से एक प्रेरणा की भी है। बहुत से लोग अपने सपनों को पूरा करना छोड़ देते हैं क्योंकि वे बीच में थक जाते हैं और छोटा रास्ता देखने की सोचते हैं। सपने पूरे करने के लिए प्रेरित रहना जरूरी है, और जब आप अपना सपना पूरा कर लेंगे तब ही रुकेंगे। आपको प्रेरित रखने के लिए यहाँ कुछ युक्तियाँ दी गई हैं। अपना लक्ष्य याद रखें। यदि कभी आप अपने आप को निराश और थका हुआ मानते हैं तो यह आपको अपने अंतिम लक्ष्य को याद करने का समय है, और असली आनंद तथा गौरव का अनुभव आपको तब होगा जब आप उसे प्राप्त करेंगे। यह एक थके हुए दिमाग को फिर से रिसेट बटन दबाकर शुरू करने जैसा है। स्वयं को पुरस्कृत करें। जैसे जैसे आप छोटे छोटे लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं, आप प्रत्येक मील का पत्थर हासिल करने के लिए भी इनाम रखें। खुद को एक पोशाक खरीदने या अपने पसंदीदा केक पर फेंक पर जाकर दोस्तों के साथ बाहर जाना, जैसा कुछ भी हो सकता है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित रहना का यह एक अच्छा तरीका है। कुछ समय छुट्टी लें। बहुत ज़्यादा काम और किसी प्रकार का खेल ना खेलना काफी आपकी उत्पादकता और कमजोर कर सकता है और आपके उत्पादकता में बाधा डाल सकता है जो आपको प्रेरित कर सकती है। इस प्रकार यह एक अच्छा विचार है कि आप अपने काम से कुछ समय निकालें और ऐसा काम करें जिसे करने में आपको आनंद आता है। आदर्श रूप से आप अपने पसंदीदा खेल में शामिल होने के लिए प्रत्येक दिन अपने कार्यक्रम से आधा घंटा निकालें। अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखें। उन लोगों के साथ रहकर जो आपके सपनों में विश्वास रखते हैं और आपको प्रेरित रहने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, यह प्रेरित रखने के लिए एक अच्छा तरीका है। अपनी गलतियों से सबक लें। निराश होने और अपने सपनों को छोड़ने के बजाय जब आप गलती करते हो और कठिन समय का सामना करते हैं तो आपको अपनी गलतियों से सीखने और खुद को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। स्वास्थ्य और फिटनेस के लक्ष्य।
आपका स्वास्थ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी आप जीवन में अन्य चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होंगे। तो बस एक बड़ी कार का सपना, बड़ा बंगला और शून्य और आंकड़ों का वेतन, 6 शून्य आंकड़ों का वेतन के बारे में सपने क्यों लेना? अच्छे स्वास्थ्य का आनंद के बारे में सपना क्यों नहीं देखना? प्रत्येक व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य और काम करने में के बारे में सपना देखना चाहिए। रोजाना व्यायाम करने के लिए अपने व्यस्त दिनचर्याओं से कुछ समय निकालना आवश्यक है। यह भी एक पौष्टिक आहार है जिसे सभी आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिएंट शामिल है। रिलेशनशिप के लक्ष्य। हमारे जीवन में रिश्तों का एक विशेष स्थान है। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, भाई बहन, चचेरे भाई या मित्र आदि प्रत्येक रिश्ता हमारा जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि जिंदगी में भागदौड़ में अक्सर हमारे रिश्ते पीछे छूट जाते हैं। अधिकांश लोग इन रिश्तों को उस समय भूल जाते हैं जब उनकी स्थिति अच्छी होती है, और रिश्तों की अहमियत तब महसूस करते हैं जब उन जिंदगी में निराशा का एहसास होता है। उन संबंधों को पर्याप्त समय देना आवश्यक है। रिश्तों के लक्ष्यों को निर्धारित करके, जैसे आप कैरियर के लक्ष्य को निर्धारित करते हैं और उसकी देखने के आप पर किस तरह प्यार और स्नेह की वर्षा होती है। जीवन में कुछ बनने का लक्ष्य। हर किसी का सपना सफल कैरियर बनाने हैं। जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं भी एक वैज्ञानिक बनने का सपना देखा था। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मैं बॉलीवुड अभिनेताओं के में आकर्षित होता गया और एक अभिनेता बनने का सपना देख लेगा। लेकिन जब मैंने अपनी 12वीं कक्षा पूरी कर ली तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास तकनीकी ज्ञान है, और मैंने फैसला किया कि इंजीनियरिंग करने का बड़ा सपना देखने में कोई हानि नहीं है। लेकिन ध्यान रखने की अपना रखे कि अपना रास्ता बुद्धिमानी से चुने, अपनी क्षमता और अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अवास्तविक करियर लक्ष्यों की ओर निर्धारित न करें। अपने ड्रीम लाइफ को आकर्षित करें। क्या आप जानते हैं कि आप अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं? जीवन के कहीं किसी मोड़ पर यह आपके साथ ऐसा हुआ भी होगा। क्या आपको याद है जिस दिन आपको स्वादिष्ट मिठाई खाने की इच्छा हुई और आपके पिता बिना आपकी इच्छा जाने वह मिठाई आपके लिए घर लेके आए? या तो खूबसूरत पोशाक आप खरीदना चाहते थे और वही आपके दोस्त ने आपको आपके जन्मदिन पर बिना आपके चर्चा किए उपहार में दी? यह क्या है? आप उन चीजों के प्रति आकर्षित हुए हो और आपने उन्हें या पा लिया हो। यह सपनों और विचारों की शक्ति है और यह आकर्षक है। कानून के सिद्धांत द्वारा समर्थित है। तथ्य बताते हैं कि जो भी हम जो सोचते हैं और सपने देखते हैं अपने जीवन में उसे पा सकते हैं। हमारे विचार हमारे वास्तविकता बन जाते हैं और ब्रह्मांड हमें उसी प्राप्त करने में मदद करता है। जैसे कि पाउलो कोल्हो ने कहा, जब अपना दिल वास्तव में कुछ चाहता है तो पूरा ब्रह्मांड उसको उस चीज को हासिल करने में मदद करता है। इसीलिए जरूरी तो केवल आपकी इच्छा है जो आपको अंतरात्मा से उत्पन्न होती है। निष्कर्ष। जैसे आप अपने सपने और लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो उसके लिए एक योजना बनाना आवश्यक है जो आपको सही दिशा में जानने के लिए सहायता कर सके। योजना तैयार करना और संगठित रहकर अपने सपने को प्राप्त करना प्रारंभिक कदम है। बड़े सपने देखिए और हर बाधा को दूर करने के लिए कड़ी मेहनत करिए।